हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाएंगे हलवा स्टाइल एकदम खस्ता फ्लेवरफुल और टेस्टी रेसिपी, जिसे आप एक बार बनाएं और मेहनत स्टोर करके खा भी सकते हैं। और चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक बर्तन और इसके ऊपर हम रखेंगे छन्नी। और अब हम छन्नी में डालेंगे मैदा। यहाँ मैंने एक कटोरी मैदा डाली हूँ। और अब हम मैदे में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1/4 चम्मच यहाँ मैंने अजवाइन ली हूँ। अजवाइन को हम हाथों से अच्छे से इस तरीके से मिलाते हुए मैदे में डालेंगे। मैदे में डालकर हम नमक और अजवाइन को अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। कसूरी मेथी डालकर हम इसे भी अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच घी। यहाँ मैं जमे हुए घी का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप इसकी जगह मेल्टेड घी, बटर या फिर चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसमें मोयन के लिए कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम साफ हाथ से चम्मच में लगा हुआ सारा घी मैदे में डालेंगे। और अब हम हल्के हाथों से दबाते हुए मैदे और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे लगभग 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, जिससे घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाएगी। और अब इसे जितना अच्छे से मिक्स करेंगे, हमारी जो रेसिपी है हलवाई जैसे ही एकदम खस्ता बनेगी। और अब आप देख सकते हैं, मैंने 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया और इसका ईजिली लड्डू बन रहा है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी डालकर इसे इकट्ठा कर लेंगे। हमें इसे गूंदना नहीं है, बस एक जगह जमा करना है। तो इस तरीके से हल्के हाथों से आप इसे दबाते हुए एक एक जगह इकट्ठा कर ले या जमा कर ले। और दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छे से इकट्ठा कर लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे क्रैक्स बने हुए। तो हम इसे इसी तरीके से आटे को लगा कर हम इसे हल्के हाथों से दबाते हुए एक जगह इस तरीके से जमा कर लेंगे। और अब हम इसे ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, जिससे हमारा जो मैदा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं, मैदा हमारा काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार फिर से 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से दबाते हुए इसे चिकना कर लेंगे। और अब हमारा डो एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं, इसके अंदर जैसे जैसे मैं इसे हटा रही हूँ, एकदम परत की लेयर निकल रही है। तो हमें बिल्कुल ऐसा ही मैदा लगाना है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लोई तोड़ लेंगे। यहाँ मैंने 2 से 3 इसकी लोई तोड़ ली है। तो अब हम चलिए इसे आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए हम चकला लेंगे और चकला के ऊपर एक लोई रखेंगे। लोई को इस तरीके से रोल करते हुए दबा लेंगे। और आप देख सकते हैं, हमारा जो लोई का शेप बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। और अब हम चलिए बेलन से हल्के हाथों से दबाते हुए इसे बेल लेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, हम इसे थोड़ा मोटा या और थिक ही बेलेंगे। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे मीडियम साइज में अच्छे से बेल ली हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक नाइफ या चाकू लेंगे और चाकू से हम इस तरीके से लंबे लंबे साइज में इस तरीके से कट कर लेंगे या कट लगा लेंगे। दोस्तों, हलवाई भी इसी तरीके से इस रेसिपी को बनाते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और मैगी भी मिलती है। तो आप इस दिवाली आप इस तरीके से इस रेसिपी को मिनटों में घर पे बना सकते हैं और इसका स्वाद तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। और आप इसे बना करके स्टोर करके भी रख सकते हो। और जब भी आपको चाय के साथ कुछ नमकीन खाने का मन हो तो आप इसे खाएं। और अब आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे कतली की शेप में कट कर ली हूँ। और अब आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा थिक है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। और चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, हम इसमें फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल डालेंगे और कुकिंग ऑयल को भी हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और
कढ़ाई में तेल भी हमारा मीडियम गरम हो गया है, तो इस स्टेज पे हम इसमें एक एक करके हमारे छोटे साइज की कतलियां डालेंगे। और आप इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, जिससे हमारी जो कतली है एकदम अंदर तक और बहुत ही बढ़िया से फ्राई होगी। इस तरीके से जो हमारे सारे कतली शेप के जो नमक पारे हैं हम डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे मिनिमम 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें, जिससे ये अंदर तक अच्छे से फ्राई होगी। और अगर आप इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से एकदम कच्ची रहेगी और फिर आपको खाने में ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब आप देख सकते हैं हमारे नमक पारे को फ्राई होते हुए लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, स्पैचुला या चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ये हर तरफ से इक्वली पकेगी। और अब आप देख सकते हैं इसे यहाँ फ्राई करते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं और इसका हल्का सुनहरा कलर आ गया है। मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है। और अब आप देख सकते हैं हमारे जो नमक पारे हैं एकदम मार्केट जैसे जैसे दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे फिर से अच्छे से इस तरीके से उलट और पलट देंगे, जिससे जिस साइड वो कच्चे रह गए होंगे वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। और आप देख सकते हैं जब हमने इसमें डाला था तो काफ़ी सारे इसमें बबल्स थे, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर तक अच्छे से पक गया है तो इसके बबल्स काफ़ी कम हो गए हैं और ये अब इस स्टेज पे निकालने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से बड़ा वाला छन्नी लेंगे और हमारे कतली सेफ के जो नमक पारे हैं उसे हम छन्नी पे डालेंगे, जिससे हमारे नमक पारे का एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही छन जाएगा। और हम इसे इस तरीके से छान करके इसे एक टिश्यू पेपर या फिर आप प्लेट में निकाल लें और फिर आप इसे ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे इस तरीके से चाय या फिर आपके जब भी मेहमान आए तो आप इसे सर्व करें। मेरी गारंटी है कि सभी को ये बहुत पसंद आएगी और आपके घर के बच्चे हो या बड़े, सभी को बहुत ये लाजवाब लगने वाली है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं आप सभी के लिए ऐसी ईजी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी लाती रहूँगी। और आप देख सकते हैं हमारे जो नमक पारे हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बने हैं, और इसे बना करके आप ठंडा होने के बाद 1 महीने के लिए एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे ज़रूर अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर